حلو حلو. श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री किदेयाध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रववश्य लज्जा त्वां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकिवन्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। गंगणपतये नमः। सिद्धि विनायकेभ्यो नमः। ओम श्री नीलकंठेश्वराय नमः। ओम हरि ओम मह आचम्यः प्राणानायम्यः हस्तप्रक्षालनम् अच्युताय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। त्रियाचम्य हस्तप्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तप्रक्षालनम् ऐंग आत्मतत्त्वं सोदयामि नमः स्वाहा। रिंग विद्यातत्त्वं सोदयामि नमः स्वाहा। क्लिंग शिवतत्त्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ऐंग हिंग क्लिंग सर्वतत्त्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ओम हरि ओम ओम ऋग्वेदाय नमः। सामवेदाय नमः। अथर्ववेदाय नमः। हस्तप्रक्षालनाय नमः।
वाम हस्ते जलम गृहीत्वा दक्षिण हस्तेन अभिमंत्रयेत। ॐ पवितरेस्थो वैष्णवियो सवितुर्वह प्रसव उदबोना व्यक्षदरेण पवितरे न सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवितरपते पवितरपु तस्य जदकामः पुनीतच्छकीयम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं स वा यह्यभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु भगवान् पुण्डरीकाक्ष पुनातु। वामहस्ते अक्षतां गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन आच्छाद्य ॐ अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमिसस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपकर्मान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिश सर्वेषाम् अविरोधिना पूजा कर्म समारभि। ॐ प्राच्यै नमः वाच्यै नमः प्रतीच्यै नमः उदीच्यै नमः ऊर्ध्वाय नमः शेषपूजा भूम्यै नमो नमः। ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सूतलं छन्द कुरुमो दीप्ता आसन् पवित्रकरणे विनियोगः भूमं स्पर्शयेत। ॐ स्यो ना पृथिवीनो भवानिक्षरा निवेशनी जक्षानः शर्मसप्रथाः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं भृगवध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो हरि मङ्गलं लेखिकानान्तु पाठिकानान्तु मङ्गलं मङ्गलं सर्वलोकानां भूमि भूपति मङ्गलं कुरुक्षेत्री गया गंगा वारणस्य त्रिपुष्कर एतानि पुण्यतीर्थानि कर्तव्य भूमिशोधने समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादपरसक्षमस्वमे। ओम दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पृथ्वी में छोड़ देना। ओम बटुक भैरव देवता मंत्रस्य बृहदरण्यकृषिस्तृष्टुप् छन्दः दीपनात् आवाहने पूजने विनियोगः। ॐ चण्डभैरवाय नमः प्रचण्डभैरवाय नमः कल्पभैरवाय नमः कल्पान्तभैरवाय नमः अघोरभैरवाय नमः घोरभैरवाय नमो नमः। करकलितकपालकुण्डलीदण्डपाणि स्तरुणतिमरनीलव्यालयज्ञोपवेति कर्तुसमयसपरिज्ञ विघ्नविच्छेदहेतुर्जेति वटुकनाथ सिद्धिदासाधिकानां बोधिपदे परूपस्त्वं कर्मसाक्षीय विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं स्वस्तिरो भवः। दीपस्तदेवेभ्यो नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत नमस्करोमि। ॐ तीक्ष्णदष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञातादुमर्हसि बोधिपदे परूपस्त्वं कर्म साक्षी यविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। दीपस्तदेवेभ्यो नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यजमानस्य भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ॐ हरिः ॐ दीर्घायुस्त औखदे खनिताजसमेश्चत्वा अभी हम आप सभी के सामने स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। तो जिस कारण हम ये
सारे यज्ञ करा रहे हैं और ये म्यूजिक फेस्टिवल करा रहे हैं, तो इससे क्या हो, हम सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो। इसी कामना से गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, ओम हरि ओम स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदसुवामरुतः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वामनिवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षवित्रजतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुव गुंस्वस्तनो ब्रिव्यसे महिदेवहितं जदायुः सतमिन्न सरदो अन्तिदेव जतरान्नश्चकराजरसं तनुन्नाम पुदरासो जतरापितरो भवन्ति मानो मदिरारेरिकतायुर्गन्तो अदितिर्ध्यो रदितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितदुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्वाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वक्रदण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः ॐ महीद्योः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रितानो भरीमभिः धान्यमसि धिनु हि देवान् प्राणायतो दानाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुखि धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्क्षिद्रेण पाणिना चक्षुखी त्वां महीनां पयोसि हि मा भगवती गङ्गादेवेभ्यो नमः समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाय किमपि तन्महेश्वर्यं लीला जनितजगतखण्डपरसो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्धं सुमनसां सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवं न समयतु
ओम मां भगवती गंगा देवेभ्यो नमः दिव्य मुद्र पुष्पांजलि समर्पयामि भास्कर अर्घ्यम दद्यात् ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनकंपय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरः दिवाकराय नमः सकलोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब हम थोड़ा संकल्प लेंगे। संकल्प का अर्थ होता है कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं आज किस पर्पस से और किस गोत्र से किस नाम से यज्ञ की आहुति भगवान के चरणों में जा रही है, इसलिए हम उसके लिए संकल्प करेंगे। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पूजा क्या चीज़ है। पूजा जो होती है उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। किसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं? एक सूत्र आता है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो है, जो हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, अग्नि तेज वायु जल, 5 जो तत्व हैं, उनको हमने रिस्पेक्ट दी। क्यों दी? क्योंकि उसके ही कृपा से हमारा ये शरीर बना हुआ है। जब शरीर है तो ही हम सब कुछ देख पा रहे हैं। अगर ये शरीर में यदि पानी कम हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं। तो हमने इसलिए जल की पूजा करी कि ताकि हमारे भीतर क्या है, जल की कमी ना रहे, अग्नि की कमी ना रहे। पूजा का मतलब हुआ कि जिस सुपीरियम पावर से हमारी ये शरीर चल रहा है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, अर्थ इसका बहुत लंबा है, पर आपको मैंने बहुत शॉर्टकट में समझा दिया। तो अभी हमने 5 तत्वों की पूजा करी, और सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी जो है हमारे बुद्धि के देवता हैं। तो जब हमारी बुद्धि सही रहेगी तो ही हमारा सब काम सही रहेगा। यदि बुद्धि खराब होगी तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा मानी गई है। आइए ऐसे गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए संकल्प लेंगे। जब मैं आप लोगों का नाम बोलूँगा तो आप लोग अपना मन में नाम लेंगे, गोत्र बोलूँगा तो गोत्र लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हवन प्रारंभ करेंगे। इसलिए समय समय पर जैसे हम अपने को चेकअप कराने जाते हैं, उसी प्रकार छोटी सी बात है, शरीर में यदि कभी दुख आ जाए तो हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं, पर विचार करना कि कभी मन में दुख आ जाए तो किसके पास जाए। तो शरीर के दुख दूर करने के लिए डॉक्टर है, और मन के दुख दूर करने के लिए भगवान का चरण है और इस प्रकार की पूजा है। आइए संकल्प करते हैं। ओम हरि ओम महम तत्सत् परमात्मने नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽग्निः द्वितीय प्रारार्धे अष्टमे श्रीस्वी द्वारं कल्पेष्विम्भवादि मन्मन्त्रणां मध्ये अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रतं चरणे भूरलोके जम्बुदीपे भरतखण्डे भारतवर्षे हिमवत् प्रत्येक देशे केदारखण्डान्तर्गत सुमेर दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दा मन्दाकिनि गंगाया दक्षिणकुले वामकुले अमुक जनपदे टिहरी जनपदे अमुक मंडलांतर्गतायां मा गढ़वाल मंडलांतर्गतायां अमुक सुविस्थानेषु तपोवन ग्राम सुविस्थानेषु देव ब्राह्मणानां सन्निधो अतत्र बौद्धावतारे अस्मिन् निरपति वीर विक्रम रचित संवत्सर परिमिते प्रवादी षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अमुकायने सूर्य भगवान उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे अमुमासे माघमासे अमुक पक्षे शुक्लपक्षे अमुक्तितो चतुर्दश्याम चतुर्थी तिथो अमुक वासरे रविवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्त्रि भास्कर चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु समस्त ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो चतुर्थ्यां सुपुण्यत सफल शास्त्र स्मृति प्राणोक्त सत्पर प्राप्ति कामा अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक अमुक नामना। अपना नाम अपना गोत्र ले लेंगे। समस्त यजमानस्य मेघ राशि आरभ्य मीन राशि पर्यंत मम यजमानस्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्यर्थ प्राप्त लक्ष्म्या चिरका संरक्षणार्थ सकल इप्सित कामना संसिद्ध लोक स्वायं राज द्वारे वा सर्वत्र विजय लाभादि प्राप्यर्थ मम ही जन्मानि जन्मांतरे वा सफल दुर्दुपसनार्थ समस्त दुर्ग्रह दुर्दशा महादशा योगनिदशा विंशोधरी जन्मकालिक वर्षकालिक गोचर नैसर्गिकादि जंत्यादि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहारा द्वारा आयु आरोग्य
सूर्याभिवृद्ध्यर्थ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र प्रकृत्या प्रयोग दिनार्थ सर्वोपद्रव विनाश हेतवे आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक बाल ग्रहादि उपद्रव्य तापसनार्थ श्रुति स्मृति प्राणोक्त सत्फल प्राप्त दुस्वप्न दुर्वाग दुर्ग्रह डाकनी शाकनी हाकनी मातृका भैरवीय नारसिंह जल चर स्तर चर गगन चर चरा चन्नाना विद्या दूरीकरणा चौदह अमुक देवता सन्निधो इष्टकुल माँ भगवती भुवनेश्वरी नीलकंठ देवता सन्निधो माँ भगवती कुंजापुरी दीप्ति सिंधु माँ भगवती केदार बद्रीनाथ रण दीप्ता सन्निधो अद्य अत्रेव समस्त यजमानस्य कल्याण अर्थ हेतवे अमुक द्वाराय महा होम कर्मणि प्रथमं गणपति पूजनम अहम आचरिष्ये च अहम वेदास्ये यहाँ पे छोड़ ओम ज जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ओम हरिः ओम गणानांत्वा गणपति गंघवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति गंघवामहे निधीनांत्वा निधिपति गंघवामहे वसो मम अहमजानि गर्वधाम त्वमजासि गर्वधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्यत्य स्वकः सुभद्रिकां कांपीलवासिनीम् गंगणपतये नमः सकलोपचारार्थी गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय वक्त प्रसन्न वरदा य नमो नमस्ते ओं गंगणपतये नमः दिव्यमंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ में फूल लेके माँ भगवती गौरा का और भगवान श्री शंकर का ध्यान करते हुए हाथ में फूल देना, फूल देना है। भोले बाबा का ध्यान करते हुए ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकलोज्वलांगं प्रसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओं विद्युदां समप्रभा मृगपतिस्कंदस्थितां भीषणां कन्याभीकरवालकेट विलस दस्ताविरा सेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिकांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां सहधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओं भगवती शांब सदा शिवाय नमः माँ भगवती दुर्गा देवीभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओं हरिः ओं सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। जटाटविगलज्वल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवय चकारचण्डताण्डव तनोतु नः शिवा शिवम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुदे गिरिवरविन्द्यशिरोदिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुदे गिरिवरे हे सति भुण्डकुटुम्बनि भूरकुटुम्बनि भूमिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बालरविद्युतमिन्दकिरीटां तुङ्गकोचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं भरताङ्कुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशी माँ भगवती दुर्गा देवेभ्यो नमः भगवती शांब सदा शिवाय नमः दिव्यमंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। ओं हरिः ओं माँ अग्निं प्रज्वल्य ओ
ॐ अग्निं दूतं पुरो ददे हव्यवाह तो जो अब हवन करने जाने हैं, सबसे पहली बात जो जो स्वाहाकार होता है उसका अर्थ होता है कि ये अग्नि जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। कहते हैं अग्नि के माध्यम से भी वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो इस भोजन को प्राप्त करता है। जैसे अपने घर में आप ब्राह्मण को बुला के भोजन करवाते हैं, उसी प्रकार से जो दूसरा मुख है भगवान का वो अग्निमुख है। इसलिए जब अग्नि की यहाँ पे स्थापना होती है तो सप्त जीवा सात प्रकार की जीव बनी जाती है। वैश्वानर अग्नि के द्वारा हम हवन करते हैं जिससे कि इससे एनर्जी उस देवता को प्राप्त होती है और वो हमें क्या करते हैं, अपनी कृपा बनाते हैं। तो स्वाहा का मतलब फूकना नहीं होता है, स्वाहा का मतलब होता है आपको अर्पण। ॐ हरिः ॐ ॐ हरिः ॐ महागणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसु मम आहमजानि गर्वधमा त्वं जासि गर्वधम्मा गङ्गणपतये नमः स्वाहा। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सस्यत्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ॐ शची पुरन्दराभ्यां नमः स्वाहा। ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ॐ सुम्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक स्वाहा। ॐ धूम्रकेतु गणाधक्ष भालचन्द्रो गजाननं द्वादशे तानि नामानि यापडे चुनियादपि स्वाहा। ॐ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्गणे चैव विघ्नस्तस्य न जायते स्वाहा। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा।
ओमभिषिप्तात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि स्वाहा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्वं गृह्स्मरामि स्वाहा। लावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां बिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन स्वाहा। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थोर्धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम स्वाहा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः परिपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यं स्वाहा। विस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं भजामि स्मरणं हरि स्वाहा। भुवनेश्वर देवादिचिन्तनासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन स्वाहा। विश्वेश्वम्मादुवं दण्डे दण्डपाणि भैरवं वन्दे काशीं कुयां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका स्वाहा। वक्रदण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा स्वाहा। अनया पूज्यः गणपति होमकर्मणि प्रयतां नमः। सत्या सन्तु यजमानस्य काम पूर्णा सन्तु मनोरथ। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इकवे नमः बाहुभ्याम् उत ते नमः स्वाहा। ॐ ब्रह्मजानं प्रथमं पुरुस्ताद्विजीमतः सुरुचो वे न आवः शबुद्न्या उपमा अश्विष्टाः शतश्च जोनिमसतश्च विवः ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ॐ इदं विष्णुर्मे चक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा विष्णवे नमः। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इगवे नमः बाहुभ्याम् उत ते नमः। ॐ रुद्रदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ इन्द्र आसान्नेत बृहस्पति दक्षिणा जज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानाम् अभिभञ्जति न जयन्ती नाम मरुतो जन्तग्रह्म इन्द्राय नमः स्वाहा। ॐ हरिः अं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ आदिदेव्याभ्यो नमः स्वाहा। ॐ हरिः अं मह ॐ आ कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृत्यं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न सूर्याय नमः स्वाहा। ॐ इमं देवा असपत्न्यगुं सुवध्वं महति क्षुद्राय महति ज्येष्ठाय महति चान्न राज्य इन्द्रसेन्द्रियाय इममुख्यपुत्रममुख्ये पुत्रमस्य विष एकवोमिराज सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाङ्गुङ्राज चन्द्रमसे नमः स्वाहा। ॐ हरिः ॐ मा अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं मा अपागुं रेतागुंसि जिन्वति भौमाय नमः स्वाहा। ॐ उद्विद्यस्याग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेत्था मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। ॐ बुद्धाय नमः स्वाहा। ॐ बृहस्पति अतियदर्जो अर्हाद्युमद्विभाति कर्तुमज्जनेगु जदीदयक्षवसरितस्मासु द्रविणं देहि जिद्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा। ॐ अन्नात् परिसृतो रसं ब्रह्मणा वीक्षितं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सतमिन्द्रियं बिबानगुं शुक्रमन्दस एन्द्रियं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः स्वाहा। ॐ सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु नौं सनिश्चराय नमः स्वाहा। ॐ कया नक्षत्र आभुवदूति सदा वृदा सखा कया सचिश्रया ॐ राहवे नमः स्वाहा। ॐ केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुचिता ॐ केतवे नमः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वन्दन मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आदिदेत्ताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ अग्निं दूतं पुरो दधि हविवाहमुपब्रुवे देव आसादयादिहं प्रत्यादिदेप्ताभ्यो नमः स्वाहा।
ओम हरि अम्मा गणानन्त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे वसो मम आहम जानि करोदम त्वमजासि गर्वदम्मा ओम हरि अम्मा पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा ओम इंद्र आसान्नेता बृहस्पति दक्षिणा जगह पुर एतु सो महादेव सेनाभिवंजती नान जयंती न मरतो चंद्रग्रम ओम हरिओम इंद्रादि दस दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा ओम हरिओम अनिया पूज्य सूर्यादि नवग्रदीप्ता आदिदीप्ता प्रत्यादिदीप्ता पंचलोकपाल दस दिक्पाल होम कर्मिणी प्रियताम नमः सत्या संतु यजमानस्य काम पूर्णा संतु मनोरथः। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ॐ जन्माद्यश्ययतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगं सर्वतस्पृत्वा त्यतिदशाङ्गुलं स्वाहा। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जचवाव्यं मा उता मृतत्वसी सानु जदन्ने नातिरोहति स्वाहा। ओम महिमा तो जायाश्च पूरुकः पादोऽसि विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि स्वाहा। ओम त्रिपादूर्ध उदयत् पूरुकः पादोऽसिह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रमसन नजने अभि स्वाहा। ओम ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा। तस्माद्दज्ञा सरोहुतः संभृतं प्रकदाज्यं मा पशुस्ताश्चक्रे वायव्य नारण्याग्राम्याश्च जे स्वाहा। तस्माद्दज्ञा सरोहृत सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्दजु तस्माद्दजायता स्वाहा। तस्माद्दस्वा अजाजन्त जे केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्माद्दस्माज्जाता अजावयः स्वाहा। तं यज्ञं भवर्हि कि प्रोक्षन् पुरुखं जाकृतमथ तेन देवा अयजन्त साध्यारिकचे स्वाहा। जदपुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमुरुपादा उचेति स्वाहा। ओं ब्राह्मणोश मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत स्वाहा। ओं चंद्रमा मनोसोजास्तचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्ध्वायुष प्राण च मुखाद्धग्निरजायत स्वाहा। ओम नाभ्या आसीदंतरिषु शीष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न स्वाहा। ओम जत्पुरुकेण हविखा देवा जिगमतन्वत भजन्तोष्यासी दाज्यन् ग्रीक्मैद्म शरदभिः स्वाहा। सप्ताशासन प्रति सप्तसमिता कृताः देवा जदिगन्तन्वान् अवदनन् पुरुखं पशुम स्वाहा। ओम जग्नेन जग्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाक महिमान संजुत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। ओम हरि ओम अनिया पूज्य विष्णु होम कर्मणि प्रियताम नमः सत्या संतु यजमानस्य कामः। हाथ जोड़ के भगवान श्री केदारेश्वर का ध्यान करते हुए इसके बाद भगवान श्री शंभुनाथ की यहाँ पे आहुति डाली जाएगी। ओम आत्मा तुम गिरिजामतिं सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदिक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोतवाराधनं संभोतवाराधनं भगवते शांब सदा शिवाये नमः। आहुति दिन है। ओम हरि ओम ओम भू ओम भुव ओम सह ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इकवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः स्वाहा। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंता विचाकसी स्वाहा।
जामि कुंगिरि संतहस्ते विवर्गस्तवे शिवांगिरि तितांकुरु माहि गुंसि पुरुखं जगत ओस्वाह ओम शिवे नवचसा त्वागिरि साक्षा बदामसि जतान सर्वमिज सुमना असत अद्यवोचदिवक्ता स्वाह अद्यवोचदिवक्ता प्रथमो देव्यो भिकक अहिच सर्वांज भयंत सर्वाच जातु धान्यो धराचि परासुभ स्वाह असोज ताम्रो अरुण तब्रुहु सुमंगल जे चेन्न गृंगदा अपितु दिक्षु श्रिता ससुसो वेखाहेड इमहे स्वाह असो जो वसरपति नीलग्रीवो विलोहित उदयनन गोपा अदृष्णन्नदितन्नुदहार्ज सदृढो मृडयाति नः स्वाह नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय सुमुदिके अधोजे असुतानो हन्तिभ्यो करन्नमः स्वाह परमुंच धन्वनस्तुमरात्न्योर्जाम्माजश्च ते हस्तैकपराता भगवो वपः स्वाह विजयं धनुः कबर्दिनो विशल्यो बाणवान् उत अनेशन्यायिकवशा भूरिसन्निगङ्गदिः स्वाह जाते हे त्रिमृष्टमय बभूते तनु तेस्मान परिभुज स्वाह परिते धन्वनो हेतुरामृणक्तु विश्वतः अतोज एकुतिस्तुवारे अस्मान् निदेहि तम स्वाह अवततिसहस्रासदे कुदे निर्जल्याना मुखा शिवो न सुमना भव स्वाह नमस्त आयुधाय तथा विष्णवे उभाभ्यां मुते नमोभ्याभ्यां तद्धन्वने स्वाह ओं मानो महंतमुतमानो अर्भगम्मान उक्षन्तमुतमानो उक्षितम्मा मानो वदिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्रोदृरिकः स्वाह मानस्तो केतने आयुग्मान गोकुमान अश्वेकुरीरिका मानो वीरानुद्रपामिनो वदिरेग्मत सदमित्वा हवामहे स्वाह 11 बार मेरे साथ आप मृत्युंजय का जाप करेंगे ओम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दन मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा अनया पूज्य रुद्रहोमकर्मणि प्रियतां नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामः पूर्णा सन्तु मनोरथः अग्नि के ऊपर ऐसे मत करना, ठीक है? आउटसाइड
ॐ हरिः ॐ पूर्णादरवी परापतसुपूर्णा पुनरापत वसनेव विकीर्णा वह इखमूर्जगुं सतक्रतो ॐ हरिः ॐ मह ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। ॐ हरिः ॐ मैदगुङ्गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तं चन्द्रमा मनसो जास्तश्चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्र द्वायुश्च प्राण च मुखादग्निरजायत आरार्ति पार्थिव गुङ्ग्रजः पितुरप्रायिधमभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत्वेकं व्रतति तमः। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा अग्निवर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ज्योतिः सूर्यज्योतिः स्वाहं ज्योतिसूर्यज्योतिः स्वाहा। ॐ चन्द्रमा मनसो जास्तश्चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगङ्गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजं बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तं धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वय धूर्वामह देवानामसि वन्नितमगुंसश्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं यज्ञनारायण भगवान् नमः। ॐ हरिः ॐ मा आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं सबके हाथ में फूल ले लें। ओम जोड़ लेंगे पुष्पांजलि के लिए और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारा जो कार्यक्रम आज से प्रारंभ होने जा रहा है वो निर्विघ्नतया संपन्न हो। ॐ हरिः ॐ जगनेन जग्न्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नत्ति हनाकं महिमानः
सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे क्षमेकामान् कामिकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायस्तनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रभागा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यं विश्वतः चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पदत्रि ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावानाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलि शिवशङ्कर भगवान् की जगन्नारायण भगवान् की गंगा मैया की केदारेश्वर भगवान् की जय जय श्री राधेश्याम थैंक यू सो मच की जय।